नमस्ते बच्चों, मैं मुन्नी कुमारी जी के जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका आज लेकर आई हूँ थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए पोंगल निबंध। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि जनवरी का महीना चल रहा है और पोंगल बहुत ही नज़दीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे पोंगल के बारे में। परंतु विषय के अंदर जाने के पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे स्कूल से संबंधित हर एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं पोंगल। तो पोंगल बच्चों दक्षिण भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पूरे भारत में तो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु अलग अलग नामों से। परंतु आज हम चर्चा करेंगे पोंगल के बारे में। तो चलिए देखते हैं पोंगल में क्या दिया गया है। तो देख सकते हैं कि पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। यह हर साल 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो जैसे बच्चों, पोंगल दक्षिण भारत में तमिलनाडु प्रांत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह वहां का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। यह त्यौहार किसानों से संबंधित त्यौहार है बच्चों। इस दिन फसल की कटाई पर सूर्य भगवान को धन्यवाद अर्पित करने का त्यौहार है और यह पूरे परिवार के साथ 4 दिन तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो पोंगल बच्चों 4 दिन का त्यौहार है। यह तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहारों में से एक त्यौहार है और बहुत दिन पहले से ही इसकी तैयारी होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही नया साल आता है, जनवरी शुरू होती है, वह उसी दिन से पोंगल की तैयारी शुरू हो जाती है। दक्षिण भारत के लगभग सभी घरों में पोंगल का आगमन करने के लिए, पोंगल का स्वागत करने के लिए पहले दिन से ही, पहले तारीख से ही घरों की साफ सफाई होने लगती है, रंगाई शुरू होने लगती है, फिर नए नए सामान, जो भी नए कपड़े खरीदने रहते हैं, सभी खरीद कर पहले से ही रेडी रख लिया जाता है। यदि गांव जाना हो, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना हो, तो पहले से ही टिकट्स बुक कर लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही पहले का प्लानिंग होता है और यह तमिलनाडु में बहुत ही प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो जैसे कि आप देखते जानते हैं कि तमिलनाडु में ये बहुत ही प्रमुख त्यौहार है और ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये 4 दिनों में क्या क्या इसका विशेष प्रावधान है, चलिए उस पर एक एक कर हम चर्चा करते हैं। तो यह त्यौहार जनवरी 14 से शुरू होती है और 17 जनवरी तक चलती है। तो ये 4 दिन तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो पहला दिन क्या आता है बच्चों? तो पहला दिन इसका आता है भोगी पोंगल। तो भोगी पोंगल के दिन क्या करते हैं बच्चों? भोगी पोंगल के दिन सवेरे घर की औरतें उठती हैं और घर की साफ सफाई करके, जो भी कूड़ा करकट है या फिर वेस्ट चीज़ है, उसे घर के आंगन में रख कर जला देते हैं, ताकि उस साल के जितने भी गंदगी है या फिर जो भी बुराइयाँ उस साल आई हैं, वे उस अग्नि में ध्वस्त हो जाएं और उसके चारों तरफ बच्चे गोल गोल घूमकर एक डफली रहता है बच्चों, उसे बजाते हैं जोर जोर से, ताकि घर की सभी दरिद्रता दूर हो। जैसे हम दिवाली में बजाते हैं ना, बस दिवाली में पटाखे चलाते हैं, घरों की साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार की धूमधाम यहाँ तमिलनाडु में पोंगल के दौरान होता है। तो इस प्रकार भोगी पोंगल के दिन घर की साफ सफाई होती है और सभी कूड़ा करकट को अग्नि में ध्वस्त किया जाता है। इसके बाद आता है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन का बहुत ही मुख्य प्रावधान रहता है, बहुत ही विशेष महत्व रहता है। चारों दिनों में सबसे मुख्य दिन यही रहता है बच्चों, जिस दिन तय पोंगल मनाया जाता है। तो तय पोंगल के दिन क्या करते हैं बच्चों? तो तय पोंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है। इस दिन क्या करते हैं कि सभी लोग बहुत जल्दी उठते हैं और नहा धोकर स्नान कर सवेरे सवेरे घर के आंगन में फसल की कटाई से निकली नए चावल से पोंगल बनाया जाता है। तो पोंगल एक साफ स्वच्छ मटके में घर के आंगन में लकड़ियों पर रखकर बनाया जाता है। इसके चारों तरफ ईख रखे जाते हैं, कोलम बनाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है और घर के जितने भी लोग हैं वे इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और घर की औरतें पोंगल बनाते हैं। तो पोंगल कैसे बनता है? तो पोंगल नए चावल से, नए जो फसल की नई कटाई के धान के चावल होते हैं बच्चों, उसी से पोंगल बनाया जाता है। इसके अलावा उड़द के दाल, गुड़ तथा मीठे और मीठा दूध जितने भी रहते हैं, सब मिलाकर पोंगल मनाया जाता है। पोंगल बनाते हैं, जब इसमें उफान आता है तो इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ ही होता है, पोंगल का शाब्दिक अर्थ ही होता है उफान। जब पोंगल बनता है, तब जब बहुत खौलने लगता है, तब ये ऊपर उठकर आता है और जब ये ऊपर उठकर आता है, तब
तब ये जब गिरने लगता है उबल कर, तब पोंगलो पोंगल कर कर सभी परिवार वाले ध्वनि करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि सभी परिवार जोर से चिल्लाते हैं पोंगलो पोंगल पोंगलो पोंगल। तो ये पोंगल मनाने का एक विशेष त्यौहार रहता है। तो इस प्रकार पोंगल जब बनकर रेडी हो जाता है तो उसे सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है। तो वो किस तरह अर्पित किया जाता है कि केले के पत्ते पर, स्वच्छ केले के पत्ते पर पोंगल को रखा जाता है, उस पर कुछ फल फूल रखे जाते हैं, और उसके बाद घर के आंगन में सभी बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं और सूर्य भगवान की पूजा आराधना की जाती है। सूर्य भगवान की पूजा आराधना करने का इस दिन प्रमुख प्रावधान है बच्चों, क्योंकि सभी देवताओं में प्रत्यक्ष देवता हमारे सूर्य देवता ही हैं, जिन्हें हम अपने साक्षात नज़रों से देख सकते हैं, है ना। तो सूर्य भगवान को इस दिन पूजा की जाती है क्योंकि उनके कारण ही, और प्रकृति देव की पूजा की जाती है क्योंकि इन्हीं के कारण हमारी फसल अच्छी तरह से फलती हैं फूलती हैं और हम अन्न का ग्रहण करते हैं, यानी कि हमें जो भी खाना मिलता है हमारे किसान भाइयों के कारण ही मिलता है, इनके मेहनत के कारण ही हमें अनाज मिलता है, और उस अनाज के पहली कटाई की खुशी में ही पोंगल मनाया जाता है। तो इस प्रकार पोंगल बनाते हैं और सूर्य भगवान को धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने हमारे परिवार को अच्छी, हमारे परिवार में फसल की अच्छी बुआई की, अच्छे से फसल कट गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साल भर तक हमारा परिवार अन्न से धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रकार सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, और जब पोंगल की पूजा समाप्त हो जाती है तो उसे प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में बाँट दिया जाता है। तो इस प्रकार पोंगल का दूसरा दिन जो कि तय पोंगल है वह समाप्त होता है। इस दिन बच्चों का उल्लास बहुत ही देखने लायक रहता है, सब नए नए कपड़े पहनते हैं और नहा धोवा कर पोंगल खाने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो इस प्रकार दूसरा दिन तय पोंगल मनाया जाता है। अब अगला दिन आता है हमारा माट पोंगल। जैसे कि माट का ही अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों गाय। गाय को तमिलनाडु में माड कहा जाता है, इसलिए इसे माट पोंगल कहते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में भी गाय को गोमाता का स्थान दिया गया है, उनकी विशेष पूजा की जाती है क्योंकि गोमाता को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। तो इस दिन माट पोंगल के दिन क्या होता है कि माट पोंगल के दिन घर में जो भी गाय हैं या फिर बैल हैं उन्हें नहला धुला कर कुमकुम लगाकर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि गौ माता हमें दूध देती है और लक्ष्मी का स्वरूप है, तो इस दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। साथ ही बैलों की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि किसान अपने खेती बाड़ी में इसका उपयोग करते हैं, हल जोतने में किसान के दोस्त ये बैल ही होते हैं, इसलिए इन बैलों की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार माट पोंगल के दिन घर में स्थित गाय और बैलों की पूजा की जाती है और उनकी आराधना की जाती है। इस प्रकार हमारे धर्म में जानवरों के प्रति जो भी प्रेम है उसे समर्पित करते हैं, उनके प्रति हमारे प्रेम को दिखाया जाता है, क्योंकि वे जानवर हमारे प्रति जब अपना प्रेम दिखाते हैं तो हमें भी उनके प्रति अपना प्रेम दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार माट पोंगल भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और तमिलनाडु में माट पोंगल के दिन जल्लिकट्टू खेलने का एक प्रमुख प्रावधान है। यह खेल सदियों से खेले जा रहे हैं बच्चों, और इस दिन क्या होता है कि एक सांड को तैयार किया जाता है, इसे बहुत दिन पहले से ही ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग देने के बाद इसे खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है, और उस मैदान में जो उस सांड को अपने काबू में कर लेता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार माट पोंगल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लास्ट और अंतिम त्यौहार हमारा आता है कानुम पोंगल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कानुम, कानुम यानी देखना, देखने जाना, तो कानुम यानी देखने जाना। तो तीन दिन जब अपने अपने परिवार के साथ सभी लोग हर्षोल्लास के साथ पोंगल मना लेते हैं, अपने अपने घरों में पोंगल सेलिब्रेट कर लेते हैं, घर में स्थित गाय बैलों की पूजा हो जाती है, सब काम निपट जाते हैं, तब चौथे दिन ये लोग क्या करते हैं, चौथे दिन सभी लोग नहा धुला कर नए कपड़े पहनकर अपने अपने रिश्तेदारों के घर एक दूसरे को मिलने जाते हैं, यानी कि देखने जाते हैं। तो इसलिए इस पोंगल का नाम कानुम पोंगल पड़ा है बच्चों। तो इस दिन वे अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, एक दूसरे को देखने जाते हैं,
और पोंगल की बधाई देते हैं। जितने भी छोटे हैं वे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और बड़े भी छोटों को आशीर्वाद देते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। साथ ही सब परिवार सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। जितने भी दर्शनीय स्थान हैं तो वहाँ पर सब परिवार सब लोग घूमने जाते हैं। तो इस प्रकार पोंगल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चौथा दिन इस प्रकार समापन होता है कि सब अपने अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से यहाँ घूमने जाते हैं और समय बिताते हैं। तो इस प्रकार तमिलनाडु में 4 दिनों का यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस दिन ये 4 दिन सरकारी छुट्टियां घोषित की जाती है। जितने भी ऑफिस रहते हैं वे बंद रहते हैं, वे छुट्टी पर रहती हैं और सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ पोंगल मनाने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। तो इस तरह पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और पोंगल भारत के सभी देशों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। इसके बारे में चर्चा हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। होप आपको पोंगल के बारे में सभी जानकारियाँ मिल गई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल ना भूलें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे स्कूल से संबंधित हर एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ इससे संबंधित एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जैसे कि पोंगल आ ही रहा है, आप भी तैयारी कीजिए, नए कपड़े खरीदिए, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर कीजिएगा। बाज़ारों में जाइए, कपड़े खरीदिए, लेकिन मास्क पहनिए और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिए। तब तक के लिए मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।